नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसे अपराध मुक्त करने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस होने का तमगा तक मिल गया है। वहीं से खबर आ रही है संभल से, जहां एक युवक पिछले काफी समय से लापता था। परिवार ये उम्मीद लगाए बैठा था कि पुलिस कार्रवाई करेगी और बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन हत्या का वायरल वीडियो इस परिवार तक पहुंचा। कैसे इस परिवार का भरोसा लहूलुहान हुआ, देखिए। दिन दहाड़े कत्ल के इस तस्वीर को जस के तस नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन चीखें सुनेंगे तो दिल बैठ जाएगा। एक शख्स पर तीन चार लोग धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। एक हत्यारा कुल्हाड़ी चला रहा है तो दूसरा तलवार, तीसरा लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। जमीन पर गिरे शख्स की चीख बढ़ती जा रही है। खून से लथपथ शरीर पर हथियारों के हाथ नहीं रुके। कुल्हाड़ी से एक के बाद एक वार करते रहे कातिल। जब इससे भी मन नहीं भरा तो एक हथियारे ने पत्थर उठा लिया और तड़पते शख्स के सर पर दे मारा। अड़तालीस सेकंड का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। सिर्फ 48 सेकंड में एक शख्स मार डाला गया। ये वीडियो कब का है ये कोई नहीं जानता, पर ये एक के बाद दूसरे के मोबाइल में भेजा जाता रहा। इसी कड़ी में आजमगढ़ के एक शख्स ने संभल में रहने वाले लड़के के भाई को वीडियो व्हाट्सएप किया। वीडियो देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार को तीन महीने से गायब लड़के की पहचान करने में देर नहीं लगी। नहीं, कहां से आई वीडियो? वीडियो आजमगढ़ की है, आजमगढ़ के लड़के ने डाली है। इस वीडियो में यह भी लिखा है कि पीएम मोदी के राज में कानून का कोई काम नहीं रहा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर मोदी के मंत्रियों तक पहुंचाएं। जी मोदी, तेरे यहां पे कोई इंसाफ नहीं है। और ये लिखा है कि मोदी के मंत्री तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो के नीचे लिखा है। हाँ, वीडियो के नीचे लिखा है। अब सवाल उठता है कि कौन इसे सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाना चाह रहा था। आनन फानन में परिवार पुलिस के पास पहुंचा। वायरल वीडियो में बेरहम कत्ल की तस्वीर देखकर पुलिस भी सन रह गई। परिवार ने पुलिस को बताया कि लड़का कोई और नहीं बल्कि अजब सिंह है, जो दिल्ली में नौकरी करता था और वहां से अचानक गायब हो गया। देखिए, एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक की कुछ लड़के हत्या करते हुए दिखाए जा रहे हैं। बड़ी नृशंस तरीके से हत्या कर उसमें दर्शित है। इसमें जो हमारे चंदौसी थाना क्षेत्र में पतरहुआ गांव पड़ता है, वहां के चरण सिंह एक व्यक्ति हैं। उनका ये कहना है कि ये वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि इनका लड़का है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि आखिर किस शख्स की हत्या की जा रही है, हत्यारे कौन हैं, किसने वीडियो को वायरल किया और कौन इसे सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाना चाह रहा था। कई सवाल है, पर बेरहमी से एक शख्स को कत्ल करने वाली वारदात सन करने वाली है, और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले किसी भी सूरत में आजाद नहीं रह सकते। उन्हें हर हाल में सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। संभल से अनूप कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के बाद आइए आपको खबर अब दिल्ली से दिखाते हैं, जहां पर एक बुजुर्ग डॉक्टर पर, नामी डॉक्टर हैं ये दिल्ली के, इन पर बदमाशों ने हमला किया। 32 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि जवाब डॉक्टर ने भी दिया, उन्होंने भी फायरिंग की, और उनके इस हौसले और बहादुरी के आगे बदमाश टिक नहीं पाए। इस कार पर गोलियों के इतने निशान हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। बोनट पर गोलियों के निशान हैं, खिड़की पर गोलियों के निशान हैं, शीशे पर गोलियों के निशान हैं, और तो और गाड़ी के अंदर सीटों पर भी गोलियों के निशान हैं। आखिर इस कार पर इतनी गोलियां किसने बरसाई? इस कार के अंदर किसको मारने की कोशिश की गई?
इस कार पर पूरे 32 राउंड फायर किए गए। 28 अप्रैल की रात दिल्ली का फतेहपुर बेरी इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बदमाश ये गोलियां हड्डी के एक मशहूर डॉक्टर हंस नागर पर बरसा रहे थे, लेकिन बदमाशों ने डॉक्टर पर 32 राउंड के करीब फायर किए तो डॉक्टर ने भी गोली का जवाब गोली से ही दिया। डॉक्टर नागर ने भी अपनी जान बचाने के लिए बदमाशों पर 12 राउंड फायरिंग की। इस वक्त हम दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में मौजूद हैं। दरअसल ये जो फार्म हाउस है, डॉक्टर हंस नागर का फार्म हाउस है, काफी फेमस डॉक्टर है। यहीं पर कल गोलीबारी हुई थी। इनफैक्ट 29 की रात का पूरा वाकया है जब यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। यहाँ ये बताते हैं कि 4 सस्पेक्ट थे, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है। उनका कहना है कि वो छिपे हुए थे वहां और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी। रिटेलिएट फायर किया गया, यानी डॉक्टर ने खुद भी फायर किया, जिसमें 12 से 13 राउंड जो है गोलियां उन्होंने चलाई अपनी लाइसेंस से पिस्टल से। उनका कहना है कि एक दो हमलावर को लगी भी है गोलियां। कुल 32 जो है वो एम्प्टी कार्टेजेस यहां पर मिले हैं, 2 लाइव राउंड मिले हैं। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया वो बेहद चौंकाने वाले। उनका कहना है कि उनके 2 भाई हैं, जॉन और रॉन, उन पर उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है इसके अलावा 4 और लोग शामिल है इस पूरे अटैक के पीछे। बदमाश डॉक्टर नागर के फार्म हाउस में घात लगाए बैठे थे। गोलियों से डॉक्टर की कार पूरी तरह से छलनी हो गई और डॉक्टर नागर भी घायल हो गए। घर की तरफ जा रहे थे तो जंगल से 3 या 4 बंदे निकले और उनको फायरिंग किया। कितने लोगों को गोली लगी है? सिर्फ पापा को लगी है। नहीं तो पता चला है 2 लोगों को गोली लगी है और फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में है। नहीं, पापा ने अपने खुद लाइसेंस रिवॉल्वर रखते हैं, उनने उनको गोली मारा है तो उनमें से 2 को चोट लगी है। तो इस तरह से 70 साल के डॉक्टर ने बदमाशों की 32 गोलियों का सामना किया और उनकी बहादुरी के आगे बदमाश टिक न सके। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है ये बदमाश कौन थे और क्यों डॉक्टर नागर पर इतनी गोलियां बरसाई गईं। मनीष गुप्ता के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। तो रफ्तार का ख्याल रखिए, अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखिए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।